नमस्कार। आज हम जिस विषय का अध्ययन करेंगे वह है रिसर्च में जो आईसीटी का यूज़ होता है उसके बारे में। उससे रिलेटेड आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे रिसर्च को बहुत ही ज़्यादा इजी बना देती हैं या उसको टेक्निकल बना देती हैं। उसमें टेक्नोलॉजिकल जो हम यूज़ करते हैं वो कैसे होते हैं। तो यहाँ पर जो हम अध्ययन करेंगे, जो रिसर्च में हम आईसीटी यूज़ करते हैं, आपको पता है आईसीटी क्या होता है? आईसीटी है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ ये किसके लिए है? इंफॉर्मेशन यानी सूचना, ये क्या है? कम्युनिकेशन अर्थात संचार या संप्रेषण, ठीक है। ये क्या है? तकनीकी या टेक्नोलॉजी। तो तीन टर्म आप इसमें देख रहे हैं, तो इससे आप समझ जाएंगे कि आईसीटी क्या होती है। जैसे ऐसी तकनीकें जो सूचना का संचार करें या जिससे संप्रेषण बढ़े, जिससे डाटा क्या हो, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो, साथ ही साथ वो तकनीकी रूप से हो। तकनीकी आप जानते हैं क्या होता है। तकनीकी मतलब किसी चीज़ को ईजी बना देना, कम समय में आपको किसी कार्य को करना है तो आप तकनीकी यूज़ करते हैं, कम कॉस्ट में। मतलब आप ऐसी चीज़ें जब यूज़ करते हैं जो आपके समय, श्रम और धन को बचाए, साथ ही साथ कार्य को बहुत प्रभावशाली बना दे, तो उसको हम कहते हैं तकनीकी। जैसे किसी से आप कोई किसी को आपको कुछ बताना है कि मैं घर 2 बजे आऊँगा, तो आप घर जाके और बताएंगे तो क्या होगा कि आपका तो आपको तो जाना ही पड़ेगा, आपकी एनर्जी लॉस हुई कि नहीं। लेकिन आप टेलीफोन करते हैं और बोलते हैं कि क्या मैं जो है 2 बजे के बाद आऊँगा। दूसरी चीज़, आप टेक्स्ट मैसेज करते तो आपको बोलने की भी एनर्जी नहीं यूज़ करनी पड़ती, तो आप टेक्स्ट कर देते हैं, फ्री में मैसेजेस कर देते हैं। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? तकनीकी यूज़ करते हैं। तो ऐसी तकनीकी आपकी रिसर्च में, शिक्षा में, कई क्षेत्रों में यूज़ की जाती है। यहाँ हमें जिस परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है वह है आपका रिसर्च। तो रिसर्च में जो तकनीकी, सूचना एवं संचार तकनीकी, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी जो आपकी यूज़ होती है, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला रीज़न जो आपका है इसको यूज़ करने का, वो क्या है? आप जानते हैं संप्रेषण क्या होता है। आप किसी चीज़ को इनपुट करते हैं, किसी संदेश को, वो प्रोसेस होता है, फिर आपको क्या मिलता है? आउटपुट। और यहाँ से क्या होता है? फीडबैक। इन्फॉर्मेशन आप जानते हैं, जो आपके डाटा होते हैं उनका जो कलेक्शन होता है, जो आपकी सामग्री होती है उसके विषय में जो आपकी जानकारी होती है उसी को हम सूचना कहते हैं। तो जब हम रिसर्च करते हैं तो हम आईसीटी क्यों यूज़ करते हैं? तो मैंने आपको बताया, जनरली आप याद रखेंगे कि जब हम श्रम धन इत्यादि बचाना चाहते हैं तब हम आईसीटी यूज़ करते हैं। दूसरा, कार्य को प्रभावी बनाना, विश्वसनीय बनाना, ठीक है। उसके अलावा आपकी जो अन्य चीज़ें हैं, जैसे हम किसी चीज़ का यूज़ क्यों करते हैं? जब हमारा इंटरेस्ट लेवल गिरने लगता है तो हम ऐसी तकनीकें यूज़ करने लगते हैं, अर्थात क्या? रुचि संवर्धन। जब भी हम कोई नई चीज़ यूज़ करते हैं तो हमें बहुत इंटरेस्ट आता है, और कोई चीज़ बार बार वही, रोज़ काम, तो हमारा इंटरेस्ट लेवल भी कम हो जाता है। तो रिसर्च में इन सब चीज़ों के लिए ही हम क्या करते हैं? आईसीटी का यूज़ करते हैं। इसीलिए आप शिक्षण में भी आईसीटी का यूज़ करते हैं कि कैसे आपको अपने समय को बचाना है, श्रम को बचाना है, धन को बचाना है, कार्य को प्रभावशाली बनाना है, विश्वसनीय रूप से किसी कार्य को करना है और रुचि संवर्धन करना है। तो बहुत इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें, लेकिन मोटा मोटा आप इसको समझिए। अब विश्वसनीय बनाने से क्या तात्पर्य? जैसे आप किसी से सामान लेते हैं तो वो लिस्ट बना के जोड़ता है ना, तो लिस्ट बना के जोड़ता है तो काफ़ी टाइम टेकिंग रहता है, लेकिन हो सकता है कि उससे कोई त्रुटि हो गई हो। लेकिन जब वो कैलकुलेटर से जोड़ता है तो क्या होता है? वो ज़्यादा रिलायबल होता है आपका, अर्थात आपको इतना भरोसा होता है, भले वो बीच में का छोड़ दे, लेकिन आपको ये ट्रस्ट होता है कि नहीं, ये चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं तो ये रिलायबल है। तो इसलिए हम क्या करते हैं? आईसीटी का यूज़ किसी भी क्षेत्र में करते हैं, न सिर्फ रिसर्च में, शिक्षण में, जीवन में हम इसलिए आईसीटी का यूज़ करते हैं। जैसे आप सीसीटीवी लगा देते हैं किसी संस्थान में, तो आपको याद होगा
पहले सीसीटीवी नहीं लगता था, तो चोरियां होती थी तो पकड़ नहीं पाते, तो क्या करते हैं अब सीसीटीवी लगाते हैं, कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है हर चीज़ें हमें पता चलती थी। ये भी क्या है, आईसीटी टेक्नोलॉजिकल यूज़ आपने किया, तो इसके जो पार्ट होंगे वो भी आपके टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग होंगे। आपका तीन पार्ट में बांटेंगे, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सिस्टम। ठीक है, ये क्या होता है, शिक्षण तकनीकी एक, सॉरी तकनीकी फर्स्ट, तकनीकी सेकंड, तकनीकी थर्ड। इसमें क्या होता है, जो चीज़ें हम छू सकते हैं, जो आपका इंस्ट्रूमेंट जैसे ब्लैक बोर्ड और ये मार्कर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये जो फंक्शन, जो आप इसका कार्य है इस इंक का, वो सॉफ्टवेयर हुआ। जैसे फ़ोन में आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, तो उसमें आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम क्या होता है, जो आपकी प्रणाली बनी कि हमने इनपुट किया, प्रोसेसिंग हुई, आउटपुट मिला, और वो किसी तो एनवायरमेंट में होगा। तो ये पूरा आपका जो प्रक्रम होता है टेक्नोलॉजी का, ये हम यूज़ करते हैं, और इन्हीं तीन से मिलके कोई भी आपका टेक्नोलॉजिकल उपकरण बनता है। अब बात करेंगे रिसर्च में आईसीटी, तो हम रिसर्च में आईसीटी क्यों यूज़ करते हैं। तो आप देखिएगा, हर चीज़ आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम ध्यान देंगे अगर रिसर्च के स्टेप में। तो पहले हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम लेते हैं या समस्या। जब हम समस्या लेते हैं उसी पे हम शोध करते हैं, तो किसी क्षेत्र से लेते हैं, या हम कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं उसको लेते हैं, या कोई ऐसी चीज़ होती है जो इस प्रॉब्लम के पीछे का रीज़न होती है। तो कहा जाता है कि हम क्या करते हैं, आप संबंधित साहित्य का अध्ययन करते हैं, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, अर्थात संबंधित साहित्य का अध्ययन। लोग कहते हैं कि ये बाद में करते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, आपने प्रॉब्लम जब ली तो उसके पहले भी आप क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं, या प्रॉब्लम लेने के बाद भी। जैसे हमें लग रहा है कि मान लीजिए कि ई लर्निंग पे कोई अध्ययन ही नहीं हुआ और मुझे करना है ई लर्निंग पे अध्ययन, तो मैं तो ये सोच रही हूँ कि मेरा काम नया है, लेकिन हो सकता है सेम यही टॉपिक कोई किया हो, या बहुत सारे लोग इस पर अध्ययन कर चुके हों और इस पर अध्ययन की ज़रूरत ना हो, या ये टॉपिक जो मैं इस पर अध्ययन के लिए चूज़ कर रही हूँ वो सही ना हो। तो हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं उस प्रॉब्लम को लेने के लिए कि कौन से क्षेत्र से हम प्रॉब्लम लें। जैसे शिक्षण में ही आपको कोई प्रॉब्लम लेनी है तो पाठ्यक्रम से रिलेटेड लेंगे, शिक्षण विधि से रिलेटेड लेंगे, टीचर से लेंगे, स्टूडेंट से लेंगे, उसके साइकोलॉजिकल प्रोसेस किस क्षेत्र से लेंगे, तो हम रिव्यू करते हैं कि नहीं। तो जब हम रिव्यू करते हैं तो हम देखते हैं कि हमने जो प्रॉब्लम ली, या प्रॉब्लम नहीं मिल रही आपको, तो हम रिव्यू करके ही प्रॉब्लम लेते हैं, प्रॉब्लम के क्षेत्र देखते हैं, उस पर संबंधित कार्य देखते हैं। तो ये रिव्यू आप करेंगे कैसे, आप विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे और ढेर सारे आप क्या करेंगे, लाइब्रेरीज़ को छानेंगे कि हाँ हमें कुछ मैटर मिल जाए, हमें कोई टॉपिक मिल जाए, ऐसा वैसा। आपका समय नहीं लॉस होगा, आपकी एनर्जी नहीं लॉस होगी, आपका पैसा नहीं लॉस होगा आने जाने में। शांति से आप बैठेंगे, इंटरनेट खोलेंगे और ई जर्नल, ई जर्नल मतलब जो जर्नल आपके पब्लिक, जो पेपर पब्लिश होते हैं उसको कहते हैं जर्नल, तो वो ई जर्नल मतलब आपके इलेक्ट्रॉनिक जो जर्नल्स होते हैं, अर्थात आपके जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, हम क्या करते हैं ई जर्नल्स खोलते हैं। जैसे आपका नेशनल है, राष्ट्रीय जर्नल है, इंटरनेशनल है, रिसर्च से रिलेटेड, एजुकेशनल रिसर्च से रिलेटेड, मैथमेटिकल रिसर्च से रिलेटेड, तो आप क्या करते हैं घर बैठे इसको देखते हैं, सारे आपके डाटा वहाँ पे आ जाते हैं। तो क्या करते हैं, आपको आराम हो जाता है। दूसरी चीज़, आप आराम से घर बैठे उसका अध्ययन भी कर लेते, कई चीज़ें देखेंगे कि हाँ ये समस्या इन्होंने चूज़ की, ये प्रॉब्लम आ रही है, अरे मैं चूज़ किया पता चला कर ही नहीं पाया, आपने ऐसी कोई समस्या चूज़ कर ली जिसको सॉल्व करने में ना नहीं याद आ जाए या हो ही नहीं। तो आप इस प्रकार से समस्या जब चूज़ करते हैं तब भी आप आईसीटी यूज़ करते हैं। इसमें क्या क्या यूज़ करेंगे, ई जर्नल यूज़ करेंगे, ब्लॉग्स यूज़ करेंगे, वेबसाइट्स, ये जो इंटरनेट से रिलेटेड, फिर एप्लीकेशन यूज करेंगे,
बहुत सारे एप्लीकेशन अगर अभी आप गूगल प्ले पे डालेंगे रिसर्च से रिलेटेड तो मिल जाएगा, रिसर्चर करके है, खान एकेडमी है, बहुत सारी आपको वहाँ पे एप्लीकेशन मिल जाएंगी। तो वो भी क्या कर रहे हैं, आप जब समस्या को चूज़ करते हैं तब भी आप ICT अगर यूज़ करेंगे तो आराम से आपकी अच्छे से समस्या भी चूज़ हो जाएगी, या समस्या सही से सुसंगठित हो जाएगी, या अच्छी समस्या, एक नया आपका कोई समस्या भी आप खोज सकते हैं जिसपे बहुत कम काम हुआ हो। तो जब आप प्रॉब्लम लेते हैं तब भी आप क्या करते हैं, आप ICT का यूज़ करके इसको इजी और प्रभावशाली बना सकते हैं। दूसरा टर्म, अब यही टर्म आपका दूसरा आ गया, आप क्या करते हैं, आप प्रॉब्लम चूज़ करने के बाद भी आप क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं या सर्वेक्षण करते हैं, संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण करते हैं ना। अब पहले तो आपको चूज़ करना था, अब आपने चूज़ कर लिया, तो चूज़ करने के बाद क्या करेंगे आप, तो उस जिस प्रॉब्लम चूज़ की उससे रिलेटेड खोजेंगे। तो आप विभिन्न यूनिवर्सिटी में फिर जाएंगे, कॉलेजों में दौड़ेंगे, लोगों से संपर्क करेंगे, क्या किया जा सकता है, कैसा कैसा, कौन सा रिसर्च, अरे आपको बिब्लियोग्राफी लिखनी है, रिव्यू आपका रेफरेंस लिखना है, तो कैसे आप चीज़ें कलेक्ट करेंगे, तो फिर आप यही सब चीज़ें यूज़ करेंगे, वेबसाइट, ऐप, ई जर्नल्स, आपकी जैसे शोध गंगा हुई, इन्फ्लिपनेट, आपकी NCERT की वेबसाइट हुई, MHRD की वेबसाइट हुई, जहाँ एजुकेशनल वर्क हुए या आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जहाँ पे वर्क हुए, आप सारी चीज़ें छान मारेंगे और उसको यूज़ करेंगे। तो आप जब रिव्यू करते हैं, सर्वेक्षण करते हैं, तब भी आप यूज़ करते हैं। फिर जब आपको हाइपोथेसिस बनानी हो, अब समस्या चूज़ की, तो इसका एक संभावित उत्तर या परिकल्पना, जब परिकल्पना आपको बनानी होगी तब कैसे, क्या यूज़ करेंगे आप, फिर से खोजते हैं। हो सकता है आपने बना ली हो और वो एकदम गलत हो, जैसे जेंडर इक्वलिटी की बहुत बात चल रही थी अभी काफ़ी दिन से, तो वहाँ पे अगर आपने बना लिया कि लड़कों की IQ लड़कियों से ज़्यादा होती है, मान रहे हैं आप, और पता चल रहा है आप फेल हो जाते, तो ऐसी चीज़ें ना बनाएं जो बहुत ज़्यादा विवादित आपकी चीज़ों को कर दें। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम नल हाइपोथेसिस ले रहे हैं या कैसे इसका रिज़ल्ट निकलेगा, तो विभिन्न आप चीज़ों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा, आपके ICT के द्वारा यूज़ करके यहाँ पे क्या करेंगे, हाइपोथेसिस को सही करेक्ट बनाएंगे, एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाएंगे, जिस प्रकार कौन से प्रकार की हाइपोथेसिस आपको चूज़ करनी है सारी चीज़ें बनाएंगे। फिर जब आप शोध के ऑब्जेक्टिव्स लेते हैं, आप शोध में क्या क्या चीज़ें फाइंड करना चाहते हैं, तो उसको भी एक्सटेंड करने के लिए आप ICT का यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे फिर क्या करते हैं, मेथडोलॉजी या शोध अभिकल्प, जब आप शोध अभिकल्प बनाते हैं कि शोध को कैसे करना है, स्टेप वाइज कौन सी विधि से करना है, कौन सी डाटा आपको किस प्रकार से एनालाइज करना है, कौन से सांख्यिकी विधियां आपको लेना है, तो भी आप ICT का यूज़ करके इजीली आप वहां पे कर सकते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं, आप देखिए यहां पे जब हमने बना लिया फिर क्या करेंगे, डाटा कलेक्शन। तो डाटा कलेक्शन जब करेंगे और एनालिसिस, मतलब प्रदत्त संकलन एवं विश्लेषण, तो संकलन करेंगे, टेबल बनाएंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, आप बनाएंगे, लंबा चौड़ा लिख रहे हैं, है ना, बहुत मेहनत पड़ी है, तो आप क्या करते हैं, कंप्यूटर पर टाइप करवा लेते हैं, नाम लिस्ट निकलवा लेते हैं, इतने बच्चे हमने चूज़ किए, इस प्रकार से किए, तो आपकी चीज़ें ईजी हो रही हैं कि नहीं। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप यूज़ करके डाटा जो कलेक्शन है और डाटा का जो विश्लेषण आप कर सकते हैं। कई आपके सॉफ्टवेयर आते हैं तुरंत कैलकुलेशन कर देते हैं, कई आपके सॉफ्टवेयर आते हैं कि एरर्स को फाइंड कर लेते हैं, कई आपके सॉफ्टवेयर आते हैं कि आप जो 10 घंटे में करेंगे वो 2 सेकंड में आपका आंसर फाइंड कर देंगे, तो आपका समय बचता है, श्रम बचता है, उतनी मेहनत बचती है, तो आप क्या करते हैं, आप वहाँ पे ही यूज़ करते हैं। फिर जब आप बिब्लियोग्राफी लिखते हैं या रेफरेंस आप कहें, रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी में अंतर होता है, कोई चीज़ जैसी कि तैसी अगर किसी की डिफिनेशन या कोई एकदम सेम कोटेशन आप रख रहे हैं तो उसको कहेंगे रेफरेंस, और किसी चीज़ से संबंधित अन्य क्षेत्रों में आपने जो अध्ययन किया वो सारी बिब्लियोग्राफी में आता है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कलेक्ट करनी पड़ती हैं, तो उसके लिए भी आप रिसोर्सेज ICT के यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जब भी हम शोध का प्रबंधन करते हैं, प्रशासन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, ठीक है, इसकी सत्यता की जांच करते हैं,
एथिक्स देखते हैं तो हम विभिन्न प्रकार की ICTs को यूज़ करके यहाँ पे अध्ययन कर सकते हैं, जिससे ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है। हमें इसमें और क्या चीज़ें पढ़नी है, तो उसके विभिन्न क्षेत्र आप जानते ही हैं कि गवर्नेंस के क्षेत्र में हो या आपके इकोनॉमिकल क्षेत्र में हो, सोशल क्षेत्र में हो, विभिन्न क्षेत्रों के ICTs आपके रिसोर्स होते हैं और जैसी जहां ज़रूरत पड़े वैसा आप ICT यूज़ करेंगे। अब हमें इसमें क्या पढ़ना है कि हम कौन कौन सी ICT के इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हैं रिसर्च के अंदर। ये तो आपका जनरल इंट्रोडक्शन था ICT का यूज़ आप जो रिसर्च में करते हैं। अब आपको जो अध्ययन करने की आवश्यकता है कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर सकते हैं रिसर्च में।